आज हम लोग मिलजुल के यहां पे गणेश चतुर्थी की, गणेश इमर्शन की टाइम आई थी, तो हमारे मुसलमान भाइयों ने हैदराबाद में मिलाद का जो उनका प्रोसेशन है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया और फैसिलिटेट किया गणेश इमर्शन का। ये है हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब। ये मिसाल जो आज तेलंगाना पूरी हिंदुस्तान को दिखा रही है, इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं मलाला साहब का भी शुक्रिया असद भाई, असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूँ। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक, उसके बाद बहुत तकलीफ पहुँचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात ज़रूर कहूँगा, असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूँगा। आए थे एक बड़े, बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि BRS की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, BRS की स्टीयरिंग जो है KCR साहब के हाथों में महफूज है, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। MIM की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है, पर मसला इस बात का है कि जो BJP का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं BJP को और NDA को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। आप एक बार एक्चुअली आज कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज़्यादा, पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए, मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है, तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहां एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग या मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है, ऐसी कोई माहौल है यहाँ पे? आज हम लोग से भी वादा करता हूँ और ओल्ड सिटी के हमारे भाइयों से भी वादा करता हूँ, आज जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और काम बाकी है। मूसी का भी काम करना है, मूसी ब्यूटिफिकेशन करना है, साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे बनाना है वेस्टर्न पार्ट ऑफ ORR से लेकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ ORR तक, 55 किलोमीटर का एक शानदार एक्सप्रेसवे बनाएंगे, अगली टर्म में आप देखेंगे। साथ ही साथ 415 किलोमीटर की मेट्रो बनाने की बात हो रही है हमारी ओल्ड सिटी मेट्रो के साथ साथ, बाकी आज हम ले जाना चाहते हैं मेट्रो करीब करीब पैदंबरपेट तक, मलकपेट से आगे होते हुए पूरी तरह से दिलसुख नगर से होते हुए, हयात नगर से होते हुए सीधा जाएंगे पैदंबरपेट, और हर तरफ हैदराबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश अगले टर्म में जरूर करेंगे। पिछले 2 टर्म में हमने काम किया था बिजली की सहूलत बेहतर करने के लिए, हमने काम किया जो 7000 मेगावाट की बिजली थी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, उसको हमने करीब करीब 24000 मेगावाट तक पूरी तरह से हमने इन्वेस्ट करके 24000 मेगावाट का एक्सपेंशन हमने किया। साथ ही साथ पानी का सहूलत, पीने की पानी हो या इरिगेशन खेती के लिए जो चाहिए पानी, उसमें हमने ज्यादा फोकस किया, इसलिए आज तेलंगाना हैज बिकम द ग्रैनरी ऑफ इंडिया। आज राइस प्रोडक्शन में, पैडी प्रोडक्शन में हम लोग पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिए, नंबर 1 स्पॉट पे चले गए। हम गए थे उनके पास, पीयूष गोयल जी के पास, कि भाई आप राइस खरीदो, तो उनको समझ नहीं आया, उनको हमने कहा कि 2014 में यहां से करीब करीब 70 लाख मेट्रिक टन का पैडी निकलता था, आज 3.5 करोड़ टन का मेट्रिक टन का पैडी निकल रहा है, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा हमसे कि भाई क्या चमत्कार कर दिया आपने, मैंने उनसे कहा ऐसा करिए पीयूष जी, आप आइएगा, हेलीकॉप्टर हम लगाएंगे सरकारी खर्चों से, आप आइएगा, हम ले जाएंगे आपको पूरे तेलंगाना में। आज दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, बट जब यहां पर आते हैं तेलंगाना, उनको दिखता नहीं है कि महबूब नगर में जो आज हमने बनाया पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल पंप हाउस लगे हैं, 145 मेगावाट वाले पंप हाउस लगे हैं, पंप लगे हैं, वो दिखता नहीं उनको। दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट आज हिंदुस्तान में है,
और तेलंगाना में है जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें मोदी साहब ने कुछ नहीं दिया, एक अंडा दिया हमें, जीरो, बिग जीरो। और हमने, हमारी गवर्नमेंट ने केसीआर साहब के लीडरशिप में आज हमने प्रोजेक्ट बना दिया। ये पूरा फोकस हमने जो पिछले दो टर्म में इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे और पावर सेक्टर पे ज्यादा जो पैसा हमने खर्च किया, उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। तेलंगाना हैज बिकम अ प्रॉस्परस स्टेट इन द कंट्री, वी आर द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा। आईटी की भी आज बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी असद भाई कह रहे थे, मैं आपको, आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, ये शायद आपको बात सुन के थोड़ा ताजुब भी होगा। पिछले दो साल, लास्ट टू ईयर्स, वी हैव क्रॉस्ड बैंगलोर इन टेक्नोलॉजी जॉब्स क्रिएशन इन इंडिया, वी आर नाउ द लीडर। लास्ट ईयर 33% ऑफ द टोटल टेक्नोलॉजी जॉब्स इन इंडिया केम फ्रॉम हैदराबाद। दिस इज नॉट माय रिपोर्ट, दिस इज नैसकॉम रिपोर्ट। और दूसरी बात, इस साल और भी खुशी की बात है, पिछले साल 33% था हैदराबाद का शेयर, इस साल 44% है पूरे हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी जॉब्स है, 44% जॉब्स आर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। पर हमने ये सोचा कि एक आईटी ग्रोथ एक ही जगह नहीं होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए डिस्पर्शन में, इसलिए हमने चालू किया उपल में, एक कोमपल्ली में, और यहां पे आज मलकपेट में भी एक आईटी टावर आ रही है जो 700 करोड़ के साथ बनेगा। ये 700 करोड़ इसमें पैसा लगने वाला है, जैसा मैंने कहा 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट, मतलब 15 लाख स्क्वायर फुट का बिल्डिंग बनेगा और शानदार बिल्डिंग बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं मोहम्मद कि आप काम टाइमली करेंगे और मैं पूरी तरह से आपको आज यकीन दिलाता हूं कि मैं खुद चलूंगा, बलाला भी चलेंगे हमारे साथ, असद भाई भी आएंगे, हुकूमत तो बनना ही बनना है, लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा हमें उम्मीद है। और चल के बाकी दुनिया में जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करेंगे हैदराबाद, उनको भी कहेंगे कि आज मलकपेट से जो बच्चे निकल के जाते हैं, जैसा असद भाई ने कहा, जो बच्चे यहां बैठ के गाड़ी में हाईटेक सिटी जाके काम कर रहे हैं, उनको वहां जाने जाके काम करने की नौबत ना पड़े, यहीं पे उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और घर से बहुत पास में उनका आना जाना होगा। उम्मीद करता हूं कि 36 महीनों में ये कंप्लीट करके एक गिफ्ट के नाते, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब यहां आते थे मलकपेट की तरफ, सबसे बड़ी इमारत थी वो मलकपेट टीवी टावर। मैं उम्मीद करता हूं मलकपेट टीवी टावर को लोग भूल जाएंगे और जो 30 मंजिल वाला आज ये न्यू टावर है, इसको याद रखेंगे और बोलेंगे कि भाई मलकपेट का पहचान है यहाँ की आईटी टावर। शुक्रिया आप सभी का। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में, 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम, 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा बट ये बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहां पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं आईटी टावर बनते, मैं आज आपसे वादा करता हूं असद भाई, इसको 36 महीनों में, 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंडओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए, मैं तो कहता हूं हम और असद भाई भी चलेंगे, यूएस चलेंगे, मिडल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलोगे, चलने को कहोगे वहां चलेंगे। और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉइट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूं, इस बात का यकीन है मुझे कि चुनके तो वापस हम ही आएंगे, मुझे कोई इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। इसको और आगे ले जाना है, इसको और तेज, जैसा असद भाई ने कहा, तरक्की को भी आगे ले जाना है। मैं बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बलाला साहब तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हमारे कि आपको करना ही करना है और जल्द ही करना है। मुबारकबाद बलाला साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप, मोहम्मद अली और बाकी हमारे साथी, हमारे TSIC के MD साहब जल्द से जल्द इसका प्रोग्राम का
शुरुआत करेंगे और 36 महीनों में जैसा मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये मुकम्मल भी होगा। इसका पूरा प्रोजेक्ट का अगर एक बार आपको मैं डिटेल दे दूं, 11 एकड़ में करीब करीब 11 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट का यहां पे बिल्डिंग बनेंगे।